टू बी अ बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा होना। आई वॉज रियली अ बुक वॉर्म वैन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं वास्तव में किताबी कीड़ा था जब मैं एक बच्चा था। इन द निक ऑफ टाइम, एंड मौके पर। ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, वह एंड मौके पर पहुँचा। अ स्नैक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। ही इज अ स्नैक इन द ग्रास, वह छिपा हुआ दुश्मन है। नेक्स्ट इडियम है यहाँ पे मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। स्कॉलर, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वह एक विद्वान आदमी है। हार्ट एंड सोल, तन मन से। सी लव्ड माइक हार्ट एंड सोल, वह माइक को तन मन से प्यार करती थी। मैक फन ऑफ, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। ही कांट मैक फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता है। आई डोंट मैक फन ऑफ यू, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे गेट इन टू हॉट वाटर, कठिनाई में पड़ जाना। सी गॉट इन टू हॉट वाटर फॉर बीइंग लेट, वह विलम्ब होकर कठिनाई में पड़ गई। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, दिन दुनी रात चौगुनी, यानी कि बहुत तेज़ी से, रैपिडली। हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, उसका स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से सुधर रहा है। मूव या गो, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जगह जगह भटकना या मारा फिरना। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, सी हैड टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट पेंशन मनी, उसके हस्बैंड के मृत्यु के बाद उसे पेंशन मनी के लिए जगह जगह भटकना पड़ा। वंस इन अ वाइल, कभी कभी। वी मीट फॉर लंच वंस इन अ वाइल, हम लोग कभी कभी लंच के लिए मिलते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ का पछताना या किए पर पछताना। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, किए पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यू नो, तुम्हें तो पता ही है मैं व्यर्थ का नहीं पछताता हूँ। हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम, जैसे कि हम लोग कभी कभी टेढ़ी खीर बोलते हैं, उसी को कहा जाता है कठिन काम या उलझनकारी व्यक्ति। दिस अलजेब्रा इक्वेशन, यह अलजेब्रा का जो समीकरण है वास्तव में कठिन है, या कह सकते हो एक उलझनकारी, काफ़ी उलझनकारी है। मेरे जो बॉस हैं काफ़ी उलझनकारी व्यक्ति हैं, माई बॉस इज हार्ड नट टू क्रैक। गो विदाउट सेइंग, अस्पष्ट होना। गो विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग डैट सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सिंसियर वर्क, यह स्पष्ट है कि सफलता जो है सच्चे काम का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि फल है, उत्पाद है। फाइट साय ऑफ, बचना, जिस काम को हम लोग करने से बचते हैं, आंख चुराते हैं। फाइट साय ऑफ, ही फॉट साय ऑफ टेकिंग पार्ट इन डिबेट, वह डिबेट में भाग लेने से दूर रहा। फ्यू एंड फार बिटवीन, जब हमें संख्या में, जैसे कि नंबर के सेंस में इस्तेमाल होता है और इसका मीनिंग होता है बहुत कम, नहीं के बराबर। जॉब्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन एट द मोमेंट, इस क्षण जो नौकरियाँ हैं वो बहुत ही कम है। एवरी नाउ एंड देन, समय समय पर या प्रायः। वी टेक अ लॉन्ग वॉक एवरी नाउ एंड देन, हम लोग समय समय पर लंबे वॉक के लिए जाते हैं। टेक इट ईजी, कभी कभी हम लोग बोलचाल में जो है ऐसा बोलते हैं, टेक इट ईजी, घबराओ मत, या सहजता से स्वीकार करना। टेक इट ईजी, घबराओ मत। डिस्पाइट द हैवी डिफीट, द कोच एडवाइज द प्लेयर्स टू टेक इट ईजी, बहुत बड़े पराजय के बावजूद भी, हार के बावजूद भी, कोच ने अपने प्लेयर्स को, अपने खिलाड़ियों को सहजता से स्वीकार करने के लिए सलाह दिया। बी ऑल ईयर्स, यहाँ पे बी का मतलब हो गया जो वर्ब आएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे इज हो या एम हो या आर, वॉज वर, ध्यान से सुनना। बी ऑल ईयर्स, किड्स वर बी ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज टेलिंग देम द स्टोरी, बच्चे ध्यान से सुन रहे थे जब मैं उन्हें कहानी सुना रहा था। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, सफल होना। सुमित कैम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन IIM एग्जाम, सुमित IIM एग्जाम में सफल हो गया। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब हो गया टू सक्सीड, यानी कि सफल होना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी। अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नेवर बी हेल्पफुल इन एन इमरजेंसी, कि सुख के साथी कभी भी आपात के स्थिति में सहायक नहीं हो सकते हैं, हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं। सो कुछ एडियम्स था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल